नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिवेनी शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विभागों में पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के अंतर्गत सभी विभाग प्रमुख एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर ने राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक हसरा परियोजना को लागू की है। शासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे एक खसरा खतौनी ही ले। आमतौर पर अपने खेत की खसरा खतौनी लेने के लिए किसान बहुत परेशान होता है। जानकारी का अभाव, शिक्षा का अभाव जैसी कई समस्या होती है जो किसानों को परेशान करती है। और फिर सरकारी कार्यालयों में बैठे कुछ कर्मचारी किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और रिश्वत लेकर उन्हें खसरा खतौनी की नकल उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार ने अब एक पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। अब मध्य प्रदेश में एक हसरा परियोजना लागू हो गई है जिसके अंतर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा सभी तहसीलों में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं जिनसे किसानों को उनकी मांग हिसाब से प्रमाणित खसरा भी एक नक्शा की जो है प्रतिलिपियां नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपए लेकर उपलब्ध करवाई जा रही है। भू अभिलेख कार्यालय की वेबसाइट पर निःशुल्क दिखेगी खेत का अक्ष। शासन ने एक व्यवस्था और बनाई है, वो ये है कि कोई किसान यदि शुल्क देकर कॉपी नहीं लेना चाहता तो वो अपने खाते की नकल जो है खेत का अक्ष विभागीय वेबसाइट www.mpbhulekh.government.in पर निशुल्क देख सकता है। शासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अब से जो है ई खसरा परियोजना का ही लाभ ले। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।